उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9 पे आ जाओ, लिखा हुआ हाउ मेनी पॉजिटिव होल नंबर्स कैन बी फॉर्म विद अ डिजिट सो दैट इवन डिजिट ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। एग्जाम्पल नंबर 9 पेज नंबर वही 229, इसमें गिवन आपके पास लेटर्स क्या है, वर्ड्स क्या है, सॉरी डिजिट्स 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3। आपको वेज निकालने के जिसमें इवन डिजिट जो है वो ऑक्यूपाई करें इवन प्लेसेस। तो सिंपल सी बात है, द इवन डिजिट मतलब कंडीशन, वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास अरेंजमेंट ऐसी हो, टोटल 6 है 7 है ना, ये जो इवन प्लेसेस है मतलब पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं, तो दूसरी चौथी छठी जो इवन प्लेसेस है, ये इवन प्लेसेस है ना, इसमें आपके पास इवन नंबर आए, मतलब इवन नंबर कौन कौन से, 4, 6, 4 इवन नंबर, इवन प्लेसेस पे आपके पास इवन नंबर आए, तो 4, 6, 4 आपने एक अरेंजमेंट में ये पुट कर दिया, फिर इनको आपस में भी तो अरेंज कर सकते हो ना, आप 4, 4, 6 कर दो या 6, 4, 4 कर दो, इस तरह आप चेंज कर सकते हो इनको, मतलब इवन प्लेसेस पे जो आपने 3 इवन नंबर पुट किए हैं इनको आपस में भी आप अरेंज कर सकते हो। तो उसको हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन इसका क्या होगा, द इवन डिजिट डिजिट्स कैन बी अरेंज्ड इन, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो आप, 3 factorial divided by 2 factorial। अब मैं डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल क्यों कर रहा हूं, देखो तीन आपके पास चीजें हैं ना, 4, 6, 4, इन तीन चीजों को अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 3 factorial, लेकिन इसमें रिपीटेशन भी तो हो रही है ना, 4 दो दफा आ रहा है, डिजिट कौन कौन से, 4, 6, 4, इन तीन डिजिट्स को अरेंज करने के 3 factorial तरीके हैं, लेकिन इसमें रिपीटेशन भी तो है ना, अगर यहां पे ये होता 4, 6, 2 मसला हल हो जाता, इसमें क्या मसला था, 3 factorial अंदाज से अरेंज हो जाते, लेकिन यहां पे जब लेटर रिपीट हो रहा है तो आपको पता है जितनी दफा वो रिपीट होता है उतने फैक्टोरियल से आप डिवाइड करते हो। तो इवन डिजिट्स को अरेंज करने के कितने तरीके बन जाएंगे, 3 factorial divided by 2 factorial ये हो जाएगा 3। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है द ऑड डिजिट कैन बी परम्यूटेड, सही है, द ऑड डिजिट्स कैन बी अरेंज्ड कितने तरीकों से अरेंज हो सकते हैं, भाई देखो पहली प्लेस बची, तीसरी प्लेस बची, पांचवी प्लेस बची और सातवीं प्लेस बची, क्योंकि दूसरी चौथी छठी में तो आपके पास 3 इवन नंबर आ गए थे, तो अभी 4 प्लेसेस हैं, इन 4 प्लेसेस में आपने जो ऑड डिजिट्स हैं, ऑड डिजिट कौन से हैं, 3, 5 फिर दोबारा 5 फिर दोबारा 3, इनको आपने अरेंज करना है, तो टोटल कितने लेटर कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट हैं तो 4 factorial, लेकिन इसमें रिपीटेशन भी हो रही है, 3 दो दफा आ रहा है, 5 भी दो दफा आ रहा है, तो आप डिवाइड कर दोगे 2 factorial 2 factorial से, तो उसको सॉल्व करो आपके पास आंसर आ रहा होगा 6 ways। अब ये दोनों काम आपने एक साथ करने, मतलब इवन डिजिट को भी आप एक साथ कर रहे होगे चेंज, इसी तरह ऑड डिजिट को भी आपस में आप कर रहे होगे अरेंज, तो टोटल पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो यहां पे मैं लिखता हूं टोटल वेज, टोटल वेज क्या हो जाएंगे कि 3 को आप मल्टीप्लाई कर दो 6 के, इसके जो नंबर ऑफ वेज थे इसके जो नंबर ऑफ वेज थे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास यहां पे टोटल 18 आ जाएंगे, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी ये होगी, जैसे मैं पॉसिबिलिटी बताता हूं, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, देखो इवन डिजिट में इवन नंबर्स हैं और ऑड जो बाकी आपके पास जो ऑड मतलब प्लेसेस हैं उसमें आपने ऑड डिजिट जो है वो प्लेस कर दिए, तो एक अरेंजमेंट ये हो जाएगी। दूसरी अरेंजमेंट क्या होगी कि आप हर चीज मतलब ऑड को अपनी जगह पे रखो, मतलब ऑड को भी आप चेंज करोगे एक अरेंजमेंट में, लेकिन वैसे ही मैं बता रहा हूं समझने के लिए कि ऑड जो है ये आप अपनी जगह पे रखे, इवन को आपको चेंज कर रहे हो, आप 4 इस 4 को दिला, 6 को दिला, अब ये एक पूरा अलग डिजिट बन, एक पूरा मतलब अलग नंबर बन गया है ना ये यहाँ पे। इसी तरह नेक्स्ट में आप क्या करो कि 6 को इधर लिख दो, 4, 4 कर दो, अब ये एक अलग बन जाएगा, इसी तरह 6, 4, 4 को अपने जगह पे रहने दो, आप इस 3 और 5 की पोजीशन को चेंज कर दो, आप ये कर दो,
अब एक और नया बन जाएगा। तो इस तरह करते करते टोटल कितने आप बना सकते हो, इस तरह 18 बना सकते हो, ठीक है। और जो 10 है वो तो काफी इजी है भाई, एक कॉइन को टॉस किए 7 दफा, ठीक है, 7 दफा टॉस किए, पॉसिबिलिटीज बताओ कि 4 दफा हेड 3 दफा टेल आए, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है। तो वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, कंसिडर कर लो आपने 7 दफा टॉस किया तो 4 दफा हेड 3 दफा टेल के कितनी पॉसिबिलिटीज है। आपने इनको अरेंज करना है आपस में, अरेंज इन द सेंस कि भाई एक तो अरेंजमेंट ये बन गई, दूसरी अरेंजमेंट क्या होगी, हेड हेड हेड, आप एक टेल को घुसा दो, फिर हेड टेल टेल कर दिया आपने, एक अरेंजमेंट ये पूरी आपकी बन जाएगी। नेक्स्ट में आप इस टेल को शुरू में ले आओ, यहाँ पे ले आओ, नेक्स्ट अरेंजमेंट में आप इस टेल को यहाँ पे ले आओ, तो देखो पॉसिबिलिटीज कितनी ज्यादा बन रही होंगी यहाँ पे। तो समझने के लिए आप देख सकते हो सॉल्व करना बड़ा इजी है भाई, 4 हेड और 3 टेल को आपस में आपने अरेंज करना है, पॉसिबिलिटीज क्या है ना कि भाई 7 दफा हमने कॉइन टॉस किए, बताओ क्या पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी में शुरू के 4 कॉइन में 4 दफा हेड आ गया, उसके बाद टॉस में आपके 3 दफा टेल आ गए, एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी में भाई के एक पहली दफा हेड आया, फिर टेल आया, फिर हेड 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 हेड, फिर एंड पे टेल आ गया, फिर भी टेल आ गया। तो पॉसिबिलिटी ये कि टोटल भाई 7 है, जिसमें से हेड 4 दफा आ रहा है तो 4 फैक्टोरियल, टेल 3 दफा आ रहा है 3 फैक्टोरियल। जैसे आप नॉर्मल सॉल्व करते हो, आंसर निकालो, आपके पास आंसर आ जाएगा। यहां पे सबसे पहली एग्जांपल जो है, जो हम 7.3 से पहले आपको सब मिल जाएंगी, उसमें एग्जांपल नंबर 1 तो खैर बहुत इजी है, एग्जांपल नंबर 2 पे आ जाओ। एग्जांपल नंबर 2 ऑन पेज नंबर 236, यार ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो आपने आगे क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 और 2 है ना, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, कोई चेंजिंग नहीं है। आपने वैल्यूज निकालनी है, जरा देख लेते हैं किस तरह सॉल्व करना है इसको। एक लंबा वाला तरीका बुक वालों ने लिखा हुआ है, बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं आपने करना, साथ दूसरा तरीका भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो अगर एग्जाम में आया तो वही तरीका करोगे, बुक वालों ने डिस्कस किया हुआ है। अच्छा ये पेपर में नहीं आ चुका, ये मैंने आपको जितने एग्जाम्पल्स करवाई है ना 7.2 की भी, पेपर में बहुत कम आई है, नहीं आई भी, मैं आपको बता देता हूँ पेपर में कौन सी आई थी, एग्जाम्पल नंबर 8, 7, 10, 9 कोई भी पेपर में नहीं आई भी, एग्जाम्पल नंबर 6 भी नहीं आई भी, एग्जाम्पल नंबर 5 पेपर में आई हुई है बस, और एग्जाम्पल नंबर 3 आई भी है, बाकी नहीं आई हुई थी। मैंने बाकी इसलिए खुद सॉल्व करवाई है कि प्रैक्टिस के तौर पर आप लोग खुद उसको कर लेना, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। 12 तो एग्जाम्पल नंबर 2 में कंडीशन क्या है कि मतलब गिवन आपको है कि 18 CR इक्वल टू 18 CR प्लस 2, ये गिवन है। फाइंड क्या करना है आपने, फाइंड करना है आपको RC5, ये चीज मालूम करनी है। तो जरा देख लेते हैं कैसे मालूम करोगे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सॉल्यूशन पे आ जाओ जरा इसके। वी नो दैट, आप ये मेंशन कर दो कि आप क्या काम करने लगे हो, हमें क्या पता है भाई, हमें पता है कि एन सी आर बराबर होता है एन सी एन माइनस आर के, एन सी आर जो है वो बराबर होता है एन सी एन माइनस आर, कहने का मतलब 5 चलो छोटा हो जाएगा, 20 या 10 डिस्कस कर लेते हैं, 10C4 लिखा हो ना तो ये बराबर होगा 10C6 के, कैलकुलेटर से वेरीफाई कर सकते हो आप लोग, 10C4 बराबर होगा 10C 10 माइनस 4 क्या होता है 6 के बराबर, 6 को इस तरह भी लिख सकते हो ना 10 माइनस 4, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है ये आपस में बराबर होती हैं, आप वेरीफाई करके देख लेना, तो NCR बराबर होता है NCN-R के। तो सेम कॉन्सेप्ट ये भी आप अप्लाई करो, कंडीशन सवाल में गिवन है कि 18 CR बराबर है 18 CR प्लस 2 के, आपकी मर्जी किसी को भी आप चेंज कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड पे हम चेंजिंग करते हैं, 18 CR बराबर होगा 18C 18-R के, ठीक है, इक्वल टू यहां पे तो आप एज इट इज रहने दो। अब आप क्या करो, अब आप इनको आपस में कंपेयर कर लो, ऊपर दोनों नंबर सेम है, नीचे जो है इनको आपस में आप इक्वेट करवाओ, इक्वेट कैसे करवाओगे, मेरे कपड़े नहीं मिल रहा, ये रहा, तो इक्वेट करवाओ यहां पे भाई, नीचे लिखा हुआ है 18 माइनस आर, यहां पे नीचे लिखा हुआ आर प्लस 2, तो 18 माइनस आर को बराबर रखो आर प्लस 2 के, अच्छा जी माइनस आर उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 2 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो 2R बराबर हो जाएगा 16 के, R बराबर हो जाएगा 8 के, R आपने निकाल लिया, आपको निकालनी थी वैल्यू RC5 की। नाउ
RC5 का मतलब 8C5, RC5 निकालना था ना, R की वैल्यू आपने पुट कर दी 8C5, 8C5 क्या होगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 8 इंटू 7 क्या होता है 56, तो इसका आंसर जो है वो 56 आ जाएगा। तो आपके पास RC5 की वैल्यू आ जाएगी 56 जो आपने निकालनी थी। ठीक है बच्चों, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 3 आप लोगों के बोर्ड में आ चुकी है, मैंने आप लोगों को नंबर भी बताया था किस साल ये आई थी शुरू में, देख लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ पार्टी ऑफ 3 स्टूडेंट, यार ये तो बहुत ही बच्चों वाला है, बहुत बच्चों वाला सॉल्यूशन है इसका, कोशिश करेंगे थोड़ा बड़ा हो जाए, नहीं इतना ही रहने देते, ज़्यादा मजबूती ज़बरदस्ती इसको बड़ा नहीं करते। इन हाउ मेनी वेज कैन अ पार्टी ऑफ 3 स्टूडेंट एंड 2 टीचर बी फॉर्म आउट ऑफ 15 स्टूडेंट 4 टीचर, भाई आपने एक पार्टी बनानी है, यही काम रहेगा आपका, 15 स्टूडेंट है, 15 स्टूडेंट में से आपने 3 स्टूडेंट पिक करने हैं, बाकियों का अलाउ नहीं है, 4 टीचर में से आपने 2 पिक करने हैं, बाकी बोरिंग है हमारे जैसे, उनको आपने नहीं अलाउ करना। तो भाई पॉसिबिलिटीज बनाओ कितने तरीके से आप पार्टी बना सकते हो। भाई देखो सिंपल सा तरीका ये है कि यहाँ पे आप कम्बिनेशन यूज करोगे, क्योंकि पेपर में सवाल आएगा तो आपको नहीं पता कम्बिनेशन का परमुटेशन क्या है, लेकिन जब आप पार्टी बनाते हो या कमेटी सेलेक्ट करते हो इसमें आप कम्बिनेशन यूज करते हो, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, मकसद ये होता है कि भाई आपने 3 स्टूडेंट चूज करने हैं, 2 टीचर चूज कर रहे हैं। अब लेट कर लो पहले एहसन, सर एहसन आपने चूज कर लिए, सर साद आपने चूज कर लिए, या आप सर साद पहले चूज कर लो, सर एहसन बाद में चूज कर लो, फर्क होता है, मेरे नाम का सरना लगाओ अजीब सा लगता है, सर एहसन और साद आपने चूज कर लिया, या आप साद और सर एहसन चूज कर लो, फर्क पड़ेगा कोई, एट द एंड मैटर क्या करता है कौन से 2 टीचर हैं। तो जब आप कमेटी बनाते हो तो ये मैटर नहीं करता कि किस ऑर्डर में आपने लोगों को सेलेक्ट किया है, मैटर क्या करता है कि कौन से लोगों को आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा होता। तो आप कम्बिनेशन यूज करोगे, ये मैंने मसला आप लोगों का हल कर दिया। तो अब जरा देखते हैं इसका सॉल्यूशन, वर्डिंग क्या होगी, द स्टूडेंट कैन बी चूजन इन, ठीक है। अच्छा जी एग्जाम्पल नंबर 2 ऑन पेज नंबर 237, ठीक है। सबसे पहले तो आप मेंशन कर दो कि गिवन क्या है भाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 15, फिर लिख दो नंबर ऑफ टीचर्स, टीचर्स कितने हैं 4 हैं। अब जरा हम सेलेक्ट करते हैं, नंबर ऑफ वेज इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, सही है इसी तरह लिख देते हैं, नंबर ऑफ वेज इन विच 3 स्टूडेंट्स कैन बी सेलेक्ट फ्रॉम 15। 15 स्टूडेंट में से आपने 3 सेलेक्ट करने, कितने तरीके से आप कर सकते हो, फॉर्मूला है 15C3। 15C3 क्या होगा, 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 12 फैक्टोरियल, 15 इंटू 13 इंटू 14, मुश्किल हो जाएगी कैलकुलेशन, बुक वालों ने की हुई है क्या, बुक वालों ने भाई एक साथ किया हुआ है लेकिन अलग अलग नहीं किया हुआ, ज़रा इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, और आप लोग ज़रा स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा जी उसके बाद नंबर ऑफ वेज इन विच, अगर आपको बुक की वर्डिंग पसंद आए वो भी आप लिख सकते हो, उसमें काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है, लेकिन वो भी ठीक है बिल्कुल, जिस तरह लिखना चाह रहे हो, बहुत बेसिक सी बात है कि भाई 3 को स्टूडेंट है सेलेक्ट करना है आपको 15 में से, तो 15C3 हो जाएगा। इसे नंबर ऑफ वेज इन विच 2 टीचर्स कैन बी सेलेक्ट फ्रॉम 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4C2, 4C2 होता है 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल जो कि 6 के बराबर है, इसका आंसर तो मुझे पता है। तो आप टोटल आप लिखोगे, टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज होंगी उसका आंसर आपने करना है। अब उसका आंसर क्या है आप लोग जरा निकाल लेना, मल्टीप्लाई इससे
मल्टीप्लाई करो, आपके पास फाइनल आंसर आ रहा होगा 2730। ये आपके पास टोटल वेज हैं जितने तरीके से आप कमेटी बना सकते हो। बैटरी मेरी फुल लो हो गई है अपनी मोबाइल के लिए। अच्छा 14 में देख लो, 14 का सॉल्यूशन काफी प्यारा किया है बुक वालों ने वैसे, चलो देख लेते हैं। लेकिन मैन हाउ मेनी वेज कैन क्रिकेट 11 बी चूजन आउट ऑफ 14 प्लेयर, बहुत इजी सवाल है। मैंने बताया था जब आप खिलाड़ी कोई प्लेयर्स को चूज करते हो ऑर्डर मैटर नहीं करता, डेफिनेटली कम्बिनेशन है। आपने 11 सेलेक्ट करने मैटर नहीं करता, आप पहले बाबर को कर रहे हो या फिर आप रिजवान को कर रहे हो या पहले रिजवान को कर रहे हो फिर बाबर को कर रहे हो, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि 11 खिलाड़ी आपने कौन से चूज किए हैं, क्योंकि हाँ। तो सबसे पहले तो भाई नंबर ऑफ वेज इन दिस 11 प्लेयर आप सेलेक्ट करो फ्रॉम 14, क्या पॉसिबिलिटीज होगी 14C11। ठीक है, तो 14C11 को बुक वालों ने सॉल्व किया हुआ है, 364 जो है वो इसके पॉसिबिलिटीज आ जाएगी। फिर लिखा हुआ है हाउ मेनी ऑफ देम विल इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर, पार्ट वन में लिखा हुआ है कि आपने एक पर्टिकुलर प्लेयर को इंक्लूड करना है, इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है। तो देखो भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो बुक वालों ने मेंशन किया हुआ है, आप वर्डिंग ना लिखना इतनी बड़ी, आप लिख देना पार्ट वन की हेडिंग इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर, उसके बाद आप लिख देना टोटल नंबर ऑफ वेज लिख देना, टोटल नंबर ऑफ वेज में आप 13C10 लिख देना, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड आप अंग्रेजी ना लिखना क्योंकि वो पूरी अंग्रेजी समझाओगे काफी देर लग जाएगी, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड होती तो मैं लिखवा देता आपको, लेकिन आप बस इतना लिख देना कि हेडिंग बनाना कि इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर, उसके बाद आप नीचे लिख देना कि टोटल नंबर ऑफ वेज, और टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे 13C10। अब ये आए कैसे ये जरा देख लो। देखो सीन ये कि उन्होंने बोला है कि आपने 11 की टीम ही सेलेक्ट करनी है, लेकिन एक स्पेसिफिक प्लेयर है जिसको लाजमी आपने सेलेक्ट करना है। जैसे कोई है टीम में ऐसा, अभी तो टीम में ऐसा नहीं है कोई, जो फहीम अशरफ कह सकते हो कि वनडे T20 में इतना नहीं है वो, लेकिन बाकी सब जो है वो उनकी जगह बनती है, मतलब हाँ आजम खान कह सकते हो, ठीक है बहरहाल। तो आप कोई भी एक ऐसा प्लेयर है जिसको आपने लाजमी सेलेक्ट करना है, उसकी पहुंच है या क्या है या बहुत अच्छा, या आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, बाबर, बाबर को लाजमी आपने सेलेक्ट करना, आपका प्लेयर है वो, ठीक है, उस प्लेयर को आपने लाजमी सेलेक्ट करना है। हम थोड़ा पॉजिटिव सोचते हैं, रेफरेंस को छोड़ दो, हम पॉजिटिव बात करते हैं कि बाबर अच्छा प्लेयर है, उसको आपको लाजमी सेलेक्ट करना है। तो अब जब एक बाबर को आपने लाजमी करना है तो इसका मतलब टोटल आपको 14 में से 11 सेलेक्ट करने थे ना। अब जब आपको पता है कि बाबर आपने करना ही करना है तो बाबर को निकाल दो दरमियान में से, 14 में से बाबर को निकाल दिया, 13 खिलाड़ी बचे, उन 13 खिलाड़ी में से आप 10 सेलेक्ट करो, क्योंकि बाबर तो आपने करना ही करना है, तो एक प्लेयर तो आपका ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया। अब पीछे आपने 10 सेलेक्ट करने हैं, कितने में से, 13 में से सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि टोटल 14 थे उसमें से बाबर निकाल दिया ना, तो 13 में से आपको कितने सेलेक्ट करने हैं, 10 सेलेक्ट करने हैं। जो बुक वालों ने लिखा हुआ है 13-10 वो यहीं से आया है, तो ये पार्ट नंबर वन जो है इसका पूरा आंसर आ जाएगा। फिर पार्ट नंबर टू में लिखा हुआ है एक्सक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर, कि एक प्लेयर को आपने हमेशा निकाल देना है। अब वो प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, क्या वजह है कि उस प्लेयर को आपने हमेशा निकाल देना है, अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या होंगी। तो देखो टोटल 14 थे, 14 में से आपको 11 सेलेक्ट करने थे, लेकिन एक प्लेयर को आपने हमेशा निकाल देना है। लेट कर लो हम आजम खान ले लेते हैं, आजम खान को आपने हमेशा निकाल देना है, तो टोटल 14 प्लेयर थे, 14 में से एक जो है वो माइनस हो गया, तो आप पीछे कितने प्लेयर बचेंगे, 13 में से आपको 11 सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि एक तो आपने निकाल देना है, वो आपकी टीम में नहीं आ सकता, उसको आपने ऑलरेडी निकाल दिया। तो 14 खिलाड़ी थे, एक को आपने ऑलरेडी साइड पे बिठा दिया कि यार इसको मैंने सेलेक्ट नहीं करना, वो साइड पे बैठ गया। अब पीछे कितने बचे, 13 और बचे हैं, तो 13 में से आपने कितने सेलेक्ट करने हैं, 11 सेलेक्ट करने हैं। तो पार्ट नंबर टू में ये पूरी सिचुएशन थी, पार्ट नंबर वन में अलग थी, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, पार्ट नंबर टू में अलग कंडीशन थी कि एक को आपने निकाल दिया तो पीछे 13 बचेंगे, 13 में से आपने 11 सेलेक्ट करने हैं, तो 13C11 हो जाएगा। पार्ट वन में 13C10 था क्योंकि कंडीशन अलग थी ना, उसमें आपने एक प्लेयर को इंक्लूड करना था, तो जब आपने एक प्लेयर को इंक्लूड किया 14 में से तो ये 13 हो गए थे, और जब एक आपने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया तो अब ये 10 हो गए थे, क्योंकि एक आपने सेलेक्ट कर लिया, पीछे 10 आपने करने थे, तो ये अलग पार्ट था। लेकिन यहां पे आपने एक प्लेयर को निकाल देना है, मतलब 14 प्लेयर में से 11 सेलेक्ट करने से पहले ही आपने एक प्लेयर को निकाल दिया, 13 बच गए, उन 13 में से अब आप 11 सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो पार्ट नंबर टू में आपने क्या किया है, 13C11 किया, इसको जरा आप सोचोगे आपको समझ आ जाएगी, इन दोनों में फर्क है बहुत बड़ा। तो फिर वही सॉल्व करना है, वर्डिंग लिखने की जरूरत नहीं है, हेडिंग बना देना एक्सक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर, नीचे लिख देना कि टोटल नंबर ऑफ बेस कितने हैं, 13C11 है।
तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर एग्जाम्पल नंबर 5 तो खैर बहुत बेसिक सी है, उसमें तो प्रूफ कर रहे थे आप। एग्जाम्पल नंबर 6 पे आ जाओ, बुक वालों ने बहुत अच्छे तरीके सॉल्व की हुई है, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। असल बात है मैं थक गया इसलिए मैं करवाना नहीं चाह रहा, अंदर की बातें बता रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में लिखा हुआ है डिपार्टमेंट इन अ कॉलेज कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोफेसर 8 स्टूडेंट। भाई 4 प्रोफेसर हैं 8 स्टूडेंट हैं। अ स्टडी टूर इज टू बी अरेंज, आपको स्टडी टूर करना है, आप कहीं जाके कुछ एग्जामिन करना चाह रहे हो या कुछ आपने कुछ रिसर्च करनी है किसी एरिया की, जो भी है आपने एक पूरा टीम बनानी होगी। इन हाउ मेनी वेज कैन अ पार्टी ऑफ, ये पार्टी वो वाली नहीं है, पार्टी ऑफ 4 टू बी चूजन सो एज टू इंक्लूड एटलीस्ट 1 प्रोफेसर। क्या आपने एक पार्टी बनानी है लेकिन 4 बंदों की पार्टी बनानी है, मतलब आप जहां इंस्पेक्शन करने जा रहे हो ना तो 4 बंदे जाएंगे वहां पे, लेकिन आपने इस तरीके से पार्टी बनानी है कि एक प्रोफेसर हो, सारे स्टूडेंट कर दोगे, सारे सर पकड़ के बैठ जाएंगे वहां पे, क्या करना है आप? तो कोई एक प्रोफेसर तो भेजोगे ना कि भाई उनको गधों को कोई डायरेक्शन दिखा दोगे करना क्या है आपने। अच्छा तो 4 प्रोफेसर में से 8 स्टूडेंट है, ना सॉरी 4 प्रोफेसर है 8 स्टूडेंट है, तो आपने 4 की पार्टी बनानी है। और रिस्ट्रिक्शन क्या है कि एटलीस्ट एक प्रोफेसर हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी कर लो, क्योंकि 4 स्टूडेंट नहीं हो सकते, 4 प्रोफेसर तो हो सकते हैं ना। मैं सवाल की जरा सेंस बता रहा हूँ आपको कि भाई 4 प्रोफेसर सेंस बनती है कि चारों अच्छा काम करेंगे, लेकिन 4 स्टूडेंट की सेंस नहीं बनती। दैट्स व्हाई उन्होंने बोला कि एटलीस्ट एक प्रोफेसर लाजमी आपने रखना है इसके अंदर, तो अब डिफरेंट पॉसिबिलिटीज इसकी बन रही होंगी। सॉल्यूशन में सब पॉसिबिलिटी 4 जो है वो मेंशन की हुई है। क्या पॉसिबिलिटी है कि एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आपकी मर्जी है। तो आपने 4 बंदों की पार्टी बनानी है ना, तो आप उसमें से सबसे मिनिमम क्या हो सकता है, 1 प्रोफेसर 3 स्टूडेंट, या 2 प्रोफेसर 2 स्टूडेंट, या 3 प्रोफेसर 1 स्टूडेंट, या चारों के चारे आप प्रोफेसर ही चूज कर लो। तो बिल्कुल आप इसी तरह मेंशन कर देना पेपर में कि भाई ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं। उसके बाद आप बिल्कुल ऐसी पॉसिबिलिटी लिख देना सब, दीज कैन बी चूजन इन, मतलब आप सबकी अलग अलग पॉसिबिलिटी बना देना। या अगर आप साथ साथ करना चाह रहे हो साथ साथ भी कर लो कि लिख दो पार्टी में कंसिस्ट ऑफ 1 प्रोफेसर एंड 3 स्टूडेंट, नीचे लिख दो नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से आप निकालोगे वो मैं आगे आप बता दूंगा। फिर जो दूसरी कंडीशन है उसको रखो, उसके नंबर ऑफ वेज नीचे निकाल दो, फिर तीसरी चौथी, मतलब साथ साथ आप निकालते जाओ, एंड पे आप इनको प्लस कर दो। या जिस तरह बुक ने किया हुआ, पहले पॉसिबिलिटीज मेंशन की हुई है फिर सारे उनके वेज निकाले हुए फिर ऐड किया हुआ, वो भी आप कर सकते हो। दोनों तरीके से आप इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब तरीका क्या होगा उसको जरा देख लो। सबसे पहली पॉसिबिलिटी है कि 1 प्रोफेसर 3 स्टूडेंट, ये आपने पार्टी बनाई है, तो अब इसके कितने नंबर ऑफ वेज होंगे? सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई कि 4 प्रोफेसर में से आपने एक सेलेक्ट करना है, सॉरी सी आएगा, ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन है, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, और 3 स्टूडेंट्स करने ना, कितने में से, 8 में से, तो 8 स्टूडेंट में से आपने 3 सेलेक्ट करने, इनको आपस में क्या करोगे मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों काम आपको एक साथ करने हैं, 1 प्रोफेसर 3 स्टूडेंट एक साथ सेलेक्ट करना है, तो इन सबको, इन दोनों को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक तो पार्टी आप इस तरीके से बना सकते हो। अच्छा जी, दूसरी कंडीशन में था कि 2 प्रोफेसर 2 स्टूडेंट, दूसरी पार्टी आप कैसे बनाओगे कि 2 प्रोफेसर आपने चूज करने हैं आउट ऑफ 4, इसी तरह 2 स्टूडेंट आपने चूज करने हैं आउट ऑफ 8, एक पार्टी ये बन जाएगी। तीसरी पार्टी थी कि आपने 3 प्रोफेसर चूज करने हैं, 4 में से 3, और 1 स्टूडेंट चूज करना होगा, तो 8C1, एक पार्टी ये बन जाएगी। और फिर आखिरी पार्टी ये कि भाई 4 ही आपने प्रोफेसर सेलेक्ट करने और आपने 0 स्टूडेंट रखने हैं। अब 8C0 लिखो ना लिखो, बुक वालों ने नहीं लिखा हुआ, लिखो ना लिखो बात एक ही है, क्योंकि इसका आंसर 1 हो जाएगा, 8C0 1 होता है, लिखो ना लिखो बात एक ही। कहने का मतलब ये है कि आखिर में 4 के 4 ही प्रोफेसर आप लेके जा रहे हो। अच्छा, इन दो को सबको ना आपस में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्योंकि ये दोनों काम अपने एक साथ करने हैं, इन दोनों को एक साथ चूज करना है, 4 की पार्टी बनानी है ना, इन दोनों को एक साथ करना है, इन दोनों को एक साथ करना है, ये आप एक साथ करोगे, ठीक है। लेकिन ये जो 4 पार्टीज हैं इनको आपस में आप ऐड करोगे, क्यों? क्योंकि ये 4 काम एक साथ नहीं आप कर सकते। क्या ये पॉसिबल है कि जो आपने पार्टी बनाई है उसमें 2 स्टूडेंट 2 प्रोफेसर हो और साथ साथ 3 प्रोफेसर 1 स्टूडेंट हो एक वक्त में? तो पॉसिबल नहीं है ना। या तो ये पार्टी होगी, या जिसको उर्दू में इंग्लिश में हम और कहते हैं कि या ये प्रॉपर्टी होगी या ये प्रॉपर्टी होगी, कोई एक प्रॉपर्टी आपने लेनी है ना, सब एक साथ तो नहीं आप पॉसिबिलिटीज कर सकते। तो दैट्स व्हाई आप क्या करोगे, इन सबको आपस में ऐड कर रहे होगे। तो बुक वाले ने बकायदा पूरा ऐड किया हुआ है, आप एंड की लाइन देख लो, लास्ट 2 लाइन जो है उसमें ऐड किया हुआ है, एंड पे आपके पास आंसर आ रहा है 425। तो 425 तरीके से आप पार्टीज बना सकते हो। आई गेस
काफी चीजें मैंने क्लियर कर दी आप लोगों की, जो आप लोगों का रिड्यूस सिलेबस था उसमें चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया है।